सांसद युगल किशोर और एमएलसी प्रदीप शर्मा की देखरेख में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका चुनावों के लिए उम्मीदवारों के फॉर्म भरे। पहले चरण में होने वाले नगर पालिका के चुनावों के लिए पूंछ नगर की 17 वार्डों के उम्मीदवार ने नामांकन फॉर्म भरे। इस अवसर पर सांसद युगल किशोर और एमएलसी प्रदीप शर्मा ने कहा, जिस तरह लोक जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हमें उम्मीद है कि पूंछ नगर पालिका चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और पूंछ का विकास होगा। देख रहे हैं कि इस समय पुंछ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत बड़ा उत्साह है और अपने समर्थकों के साथ वो यहां पर आए हुए हैं और अपने फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। और यहां का माहौल देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पुंछ की कौंसिल है ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं बड़े ही कर्मठ और समाज सेवक हैं और सर्वसम्मति के साथ फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में उतरेगी कि आने वाले दिनों में इस पुंछ शहर की जो डेवलपमेंट है उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए और जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में भी यही बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ की पुंछ की जो कौंसिल है वो जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतकर पुंछ के डेवलपमेंट के लिए तन मन धन से जो है वो काम करेगी। मुझे भी मानना था कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के और लोकल बॉडी के इलेक्शन होने चाहिए। हम बार बार डिमांड कर रहे थे पीछे अलायंस गवर्नमेंट में कि जो हमारी ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी है उसे मजबूत किया जाए, लोगों को एम्पावर किया जाए, उसी दिशा में आज इलेक्शन हो रहे हैं हमारी डिमांड के कारण। और पुंछ में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लगता है कि आने वाले समय में पुंछ में हमारी कौंसिल होगी, जहाँ की जो कौंसिल है बीजेपी के पास होगी, हमारा चेयरमैन बनेगा और पुंछ की अच्छी डेवलपमेंट। कितना बड़ा जोश व आक्रोश है पुंछ के लोगों में। आज सब लोग अपना कारोबार छोड़ के दुकानें बंद करके काम धंधा सब कुछ छोड़कर आप देखो कैसे जोश से यहाँ पर आए हैं। और मेंबर हमारे मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से आए हैं, बीजेपी कितनी इसमें सेंसिटिव है, बीजेपी कितना विचार कर रही है और हमारे कैंडिडेट और लोग कितने उभर कर सामने आ गए क्योंकि लोकल कैंडिडेट है और फिर भी लोग जो है वो सामने आ गए हैं। बिल्कुल लोगों के मन में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर म्यूनसिपल्टी बनानी है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि पार्टी ने जो सर्वे कराया है जो लगता है कि बीते भारतीय जनता पार्टी लगता भी नहीं है, पक्का कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फुल मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी लेकर यहाँ से उससे भी ऊपर शायद लेकर यहाँ से म्यूनसिपल्टी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो है चेयरमैन पुंछ से बनेगा, कौंसिल भी जीतेंगे और चेयरमैन।